हेलो बच्चों लेट से क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन से कि ऐसे साइंटिस्ट का नाम हमें यहाँ पे बताना है जिन्होंने तो का जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो क्या होगा इस क्वेश्चन का बच्चों अगर हमारा की कॉन्सेप्ट अगर देखें तो हम बोल सकते हैं दैट इज द लैंग्वेज ऑफ लैंग्वेज ऑफ बीज तो लैंग्वेज ऑफ बीज के बारे में अगर बात करेंगे बच्चों तो क्या होगा तो यहां पर हम एक चीज देखते हैं कि ये जो नाम है अगर साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे तो इनका जो नाम था वो क्या था डेट इज कार्ल वॉन फ्रिश सो ही वाज एन इथोलॉजिस्ट इथोलॉजिस्ट और इथोलॉजिस्ट होने के नाते इन्होंने क्या किया था इन्होंने बेसिकली हनी बीज को स्टडी किया था क्योंकि ये हनी बीज को स्टडी करने वाले बेसिकली इथोलॉजिस्ट होते हैं और द साइंटिस्ट लर्न एंड अंडरस्टूड द लैंग्वेज ऑफ बीज इन्होंने क्या किया था इन्होंने बीज के लैंग्वेज को समझने की कोशिश की थी और फाइनली ही वॉज यूज बेसिकली द टर्म फॉर द लैंग्वेज और इन्होंने ये भी बताया था कि ये जो बीज हैं ये बेसिकली क्या यूज़ करते हैं ये यूज करते हैं कॉम्युनिकेशन मेथडोलॉजी और यहाँ पर इन्होंने बेसिकली एक्सप्लेन भी किया था बेसिकली ही एक्सप्लेन वैगल डांस इन्होंने क्या किया था एक वैगल डांस का जो कॉन्सेप्ट है इन्होंने यहां पे बताया था कि ये जो बीज हैं, ये वैगल डांस करके क्या करते हैं ये सिग्नल जो होते हैं दूसरे बीज को देते हैं टू अट्रैक्ट टू अट्रैक्ट फीमेल्स टू अट्रैक्ट फीमेल्स और इसके लिए इन्हें यहां पे नोबेल प्राइज भी दिया गया था एंड ही वॉज अवार्डेड the nobel prize for his work on honeybees so the correct answer to the question that is the option b so this is our final answer to the question hope you understood it well best of luck